हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ। आई एम ज्योति। आज मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। ये मेकअप लुक मैंने साउथ इंडियन गर्ल्स के लिए, एवरीडे मेकअप लुक है ये, उन लोगों के लिए मैंने क्रिएट किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, लुक आपको पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल सोबर मेकअप है। लुक पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ गाइज, अपने फ्रेंड्स के साथ लुक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम अपने फेस पे प्राइमर अप्लाई करेंगे। ड्यूई लुमिनेक्स मैं यहाँ पर प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। ये क्रीमी बेस होता है एंड शाइनी पार्टिकल्स इसमें अवेलेबल होते हैं। फेस को प्राइम करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस लगे, आपका फाउंडेशन प्राइमर से अच्छी तरह से ब्लेंड हो पाता है। देन यहाँ पर मैं मियॉन की बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट बीबी क्रीम थी तो मैंने हाथ से ही ब्लेंड कर लिया है। हाथ से भी बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड होती है, आप देख सकते हैं कहीं पर भी बिल्कुल पैची लुक नहीं आ रहा है। क्रीम ब्लेंड करने के बाद अब हम अपने मेकअप को सेट करेंगे, मतलब बीबी क्रीम को सेट करेंगे। बीबी क्रीम को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्टे किड्स का लूज पाउडर। ये बहुत ही लाइट वेटेड पाउडर है, आपके फेस को बिल्कुल भी पाउडरी नहीं करेगा एंड फाउंडेशन या बीबी क्रीम को बहुत ही अच्छी तरह से सेट करता है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। देन अब मैं अप्लाई करूँगी मेरे फेस पे कॉन्टोर। एक ये मेकअप स्टूडियो कॉन्टोर पैलेट में से शिवाना पैलेट है ये, इसमें से मैं कॉन्टोर ले रही हूँ और अपने फेस पर कॉन्टोर करूँगी एंड सेम पैलेट में से अपने नोज़ को भी कंट्रोल करूँगी। कंटूरिंग के बाद अब जहाँ आपने लूज पाउडर अप्लाई किया था उस पाउडर को हम रिमूव कर लेंगे और अपने पूरे कंटूर के साथ भी उसे मिक्स कर लेंगे। नोज़ को शार्प दिखाने के लिए यहाँ पर मैं कंटूर कर रही हूँ। देन मैं अब अप्लाई करूँगी अब मेरा आईब्रो पेंसिल ADS का। आईब्रो को बहुत हल्के हाथ से आपको फिलअप करना है, बहुत ही नेचुरल लगनी चाहिए आईब्रोज, क्योंकि डेली के लिए है ये मेकअप लुक, तो बहुत डार्क आपको अप्लाई नहीं करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे न्यूड पैलेट ले रही हूँ, जिसमें से एक ब्राउन शेड लेकर मैं अपने आउटर कॉर्नर से लेके अपने क्रीज पर उसे ब्लेंड करूँगी। एंड सेम पैलेट में से उससे डार्क एक रेड शेड लेकर मैं अपने सेम आईलेट्स पर अप्लाई करूँगी और अपने ब्राउन शेड के साथ उसे मिक्स करूँगी। देन एक अपनी साड़ी के मैचिंग का एक डार्क मरून टाइप शेड मैंने लिया है पैलेट में से और उसे अपने पूरी आईलेट्स पर मैंने अप्लाई कर लिया है, ताकि हमारा आउटफिट से हमारा आई कलर जो है वो मेकअप जो है वो मैच हो जाए। देन तीनों शेड लेकर मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर लूँगी। लोअर लैश लाइन पर आप ज़रूर अप्लाई करें, उससे मेकअप और भी ज़्यादा प्यारा लगता है आपका आई मेकअप। देन यहाँ पर मैं ब्लू हेवन का आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, एक विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। गाइस, यहाँ पर मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है, मैं मस्कारा अप्लाई करना भूल गई हूँ। तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि लाइनर एक पल के लिए आप
मतलब स्किप कर भी सकते हैं, बट मश्कारा आप स्किप बिल्कुल मत करिएगा, उससे आपकी आईज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। एंड सेम आईलाइनर से मैं एक ब्लैक बिंदी भी अप्लाई कर रही हूँ। आपके पास अगर स्टिकर वाली बिंदी है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम शिवाना पैलेट में से ब्लश ले रही हूँ, बहुत ही हल्का ब्लश, आपको नेचुरल लगना चाहिए, बिकॉज साउथ इंडियन गर्ल्स उतना ब्लश नहीं यूज़ करती हैं। बहुत ही नेचुरल लुक के लिए हम बहुत ही हल्का ब्लश अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मैं डार्लिंग इस बेला का लिपस्टिक ले रही हूँ, शेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन आपको सभी प्रोडक्ट्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर आप परचेज़ करना चाहें तो प्लीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और लुक अगर आपको ट्राई करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या इंस्टाग्राम पर मुझे टैग कीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।